वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज का जो प्रेस रिलीज आया है सीबीआईसी ने बहुत सारे क्लेरिफिकेशन दिए हैं जीएसटीआर 9 और जीएसटी 9 सी के बारे में। जितने सारे लोग डरे हुए थे, मुझे लगता है कि हमारे डर से, टैक्स पेयर्स के डर से सरकार भी डर गई, सीबीआईसी भी डर गई। उन्होंने कहा कि भैया तुम जल्दी से जल्दी अपना टाइम पे रिटर्न फाइल करो, अगर छोटी मोटी गलतियां होती है तो उसे हम नजरअंदाज कर देंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है जीएसटी का आज प्रेस रिलीज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आज जो दिया गया है, पीआईबी से, इसमें जो क्लेरिफिकेशन आया है मैं आपको बता दूं, पेमेंट ऑफ एनी अनपेड टैक्स और प्राइमरी डेटा सोर्स, इस दोनों का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था ताकि क्लियर हो सके, इंपॉर्टेंट था ये लाइन, लेकिन एक बार हम आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड एक बार बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है पेमेंट ऑफ एनी अनपेड टैक्स, इसमें इन्होंने कहता है कि सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 73 है वो अपन को ये कहता है कि अगर आपने सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, आपको लगता है कि कोई टैक्स आपने पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, गलती से आपने आईटीसी अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, इस केस में अगर आपके पास डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आया है तो आप खुद से अपना DRC-03 फाइल कर दीजिए, सिर्फ इंटरेस्ट लगा करके, आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में क्या होता है, फॉर्म GSTR-1 और GSTR-3B, इस दोनों में आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो जो गड़बड़ होती है, अगर GSTR-1 में डाटा आपने नहीं दिया ठीक से तो निश्चित है टैक्स कम जमा होगा, तो इस केस में आप जमा कर दीजिए। इन्होंने ये क्लियर कर दिया और इन्होंने ये कहा कि इसका प्रावधान जो है एनुअल रिटर्न में भी दिया गया है, तो ये क्लियर है कि अगर आपका बनता है तो कभी भी आप DRC-03 से फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस ना आया। पॉइंट बी कहता है प्राइमरी डेटा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था लोगों के पास कि जो हम जीएसटी रिटर्न एनुअल भर रहे हैं उसमें हम डाटा कहां से लें, GSTR-1 का लें, GSTR-3B के लें या बुक्स का लें, सब लोग कंफ्यूज थे। कुछ कहते थे GSTR-1 से लीजिए क्योंकि आपने उसमें सेल दिया, कुछ कहते थे 3B से लीजिए, कुछ कहते थे कि एक्चुअल जो बुक में है वही लीजिए, होना भी चाहिए था क्योंकि GSTR-1 में तो आप सिर्फ सेल का डाटा दे रहे हो 3B से, लेकिन टैक्स तो आप 3B से किए हो तो 3B से लेना चाहिए, या फिर लास्ट में ये कहना होता है कि आप बुक से लो भैया क्योंकि वहां पे एक्चुअल है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन सबको आप मिला लो, रिकनसाइल कर लो और जो सही हो वो आप कर दो, और जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो आपके पास दो कंडीशन खड़ी होगी, आपके पास दो तरह के कंडीशन आएगी इनको सेंक्रोनाइज करने के बाद, दो तरह की कंडीशन आएगी। पहला कंडीशन होगा कि या तो आपने टैक्स पे नहीं किया यानी कम टैक्स पे किया, या आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, एक्सेस कर दिया। तो इस केस में अगर आपने कम पे किया है टैक्स तो आप फॉर्म GST-DRC-03 फाइल कर दो, और अगर आपने ज्यादा कर दिया है टैक्स तो फॉर्म GST-RFT-01 फाइल करके अपना रिफंड ले लो। तो इन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया है। साथ ही इन्होंने एक चीज और, आपको सब हम जानते हैं GSTR-9 के थ्रू आप कोई भी ITC को एडजस्ट नहीं कर सकते, वो आपका लैप्स कर जाता है क्योंकि आपने उसको लिया ही नहीं, तो इनपुट को वहां नहीं ले सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सी नंबर पॉइंट है प्रीमाइज ऑप्टिमेबिलिटी ऑफ एनुअल रिटर्न। इसमें इन्होंने कहा कि यहां तक का तो ये मैं अलग अलग वीडियो दे दिया इसलिए मैंने आपको मेन मेन पॉइंट बोलते चला गया, यहां से हम चलते हैं लॉ की बात पे। यहां पे जो टेबल 8D था एनुअल रिटर्न में, लोग कंफ्यूज थे कि वो मेरा ITC है और वो लैप्स कर रहा है। यहां पे जब आप देखेंगे GST के रूल का जो फॉर्म था GSTR-9 का, यहां पे 8 में कहता ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक तो GST का 8A जो है वो ऑटोमेटिक 2A से आता था, उसके बाद जो 6B और 6H का यहाँ पे ऑटो आ जाता था ITC, साथ ही ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई जो होता था अदर देन इंपोर्ट सेज ये आ जाता था, उसके बाद A में इसमें B प्लस C का लेस करके जो यहाँ डिफरेंस आता था, यानी अगर आपका कम ज्यादा होता था तो ये कहता था कि ये अब आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें इन्होंने क्लियर कहा कि वाजिब बात है कि जब आपने लिया ही नहीं तो फिर वो आपका हुआ कैसे, हुआ कैसे, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी, वो अपना एडजस्ट करेगी। एक बार आइए लॉ की लैंग्वेज हम पढ़ लें।
There appears to be some confusion regarding declaration of ITC in Table 8 of the annual return. The input tax credit which is declared computed in Table 8D is basically credit that was available to a taxpayer in the form GSTR 2A, but was not availed by him between July 2017 to March 2019. GSTR 2A में available था, but आपने July 2017 से March 2019 तक नहीं लिया. और आपका ये डेडलाइन भी ऑलरेडी पास हो गया है. एंड द टैक्सपेयर कैन नॉट अवेल सच क्रेडिट नाउ. तो वो जब एक तो आपने 17-19 के बीच, जुलाई 17 से मार्च 19 तक के बीच में लिया नहीं, और ये डेडलाइन भी पास कर दिया थी, यानी आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लिया है, तो अब आप इसे नहीं ले सकते. तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता है कि ये क्या वो मेरा फंड लैप्स कर गया. सिंस दिस क्रेडिट नेवर एंटर्ड द इलेक्ट्रॉनिक लेजर ऑफ एनी टैक्सपेयर. तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, आपके कैश लेजर में नहीं आएगा. देयरफॉर टैक्सपेयर्स नीड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन दिस टेबल. दिस इज मेरली एन इंफॉर्मेशन दैट द गवर्नमेंट नीड्स द सेटलमेंट पर्पसेस फिगर इन टेबल 8A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 9 आर ऑटो पॉपुलेटेड ओनली फॉर द दोज फॉर्म जीएसटीआर 1 व्हिच आर फर्निश्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर बाय द ड्यू डेट. यहां पे जो जीएसटीआर 9 का 8A टेबल जो अभी मैंने आपको दिखाया था, 8A ये है जो 2A आपका ऑटोमेटिक आता है. और ये 2A कब आता है, जब आपका सप्लायर जिससे आप माल परचेज करते हैं वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है, तब वह अमाउंट वहां पे रिफ्लेक्ट करता है. दस आईटीसी ऑन सप्लाइज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 इफ रिपोर्टेड बियॉन्ड द सेट डेट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर विल नॉट गेट ऑटो अप्रोप्रिएटेड इन सेट टेबल 8A. इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट फॉर्म जीएसटीआर 2A continues to be auto-populated on the basis of the corresponding form GSTR 1 furnished by supplier even after the due date. In such cases, there would be a mismatch between the updated form GSTR 2A and the auto-populated information in Table 8A. It is important to note that Table 8A of the annual return is auto-populated form GSTR 2A as on 1st May 2019. कहते हैं आपका GSTR 2A और annual return में जो auto-populated 8A table आ रहा है उसमें difference हो सकता है, क्योंकि कई बार आपके जो सप्लायर हैं वो आफ्टर ड्यू डेट भी रिटर्न फाइल किए हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है जीएसटीआर 2A जो है 1st May 2019 तक अपडेट कर दिया गया है. अब पॉइंट नंबर डी पे आते हैं. प्रीमिस ऑफ टेबल 8J ऑफ एनुअल रिटर्न. टेबल 8J ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी कंफ्यूजन था. इसमें क्या कहता है, प्रेस रिलीज का हम लाइन देखते हैं. इस पे हालांकि पहले भी इन्होंने क्लेरिफिकेशन दे चुका है आईजीएसटी के लिए कि इंपोर्ट के रिगार्डिंग ये है. इसमें इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी हैज बीन क्लेरिफाइड दैट ऑल क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट बिटवीन जुलाई 2017 टू मार्च 19 मे बी डिक्लेयर इन द टेबल 6E. आप यहाँ पे आए ये देखिए 6E, ये 6 है. 6E में कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम सेल्स इनपुट और कैपिटल. आप यहाँ पे 6E में जो भी आपने इंपोर्ट का डिक्लेयर किया है मार्च 2017 से मार्च 19 मे बी डिक्लेयर इन टेबल 6E. If the same is done properly by a taxpayer, then Table 8I and 8J shall contain information on credit which was available to the taxpayer and the taxpayer choose not to avail the same. The deadline has already passed and the taxpayer cannot avail such credit now. There is no question to lapsing such same above जो C number point है वही चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने मार्च 17 से मार्च 19 तक का ले लिया है तब तो आपका ठीक है, अदरवाइज वो लैप्स होने के, क्योंकि आपने लिया ही नहीं तो वो लैप्स होने की बात नहीं रही, इसलिए आपको लैप्स मानने की जरूरत इसमें नहीं है. तो ये भी पॉइंट आई थिंक क्लियर है. अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है ई नंबर पॉइंट. ई नंबर पॉइंट जो है इसमें देखिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी, आपकी बात सुनी, टैक्सपेयर्स की जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हम गवर्नमेंट से हम ही पूछते हैं कि सीबीआईसी भैया तुम अब तक तो सोए हुए थे, डोंट माइंड कि अब तक आप परचेज के बारे में जीएसटीआर 2A के बारे में जीएसटीआर 2 के बारे में कभी सोचा नहीं, अब एकाएक कहते भैया एचएसएन कोड वाइज दो. तो इन्होंने इसके लिए हालांकि पहले भी क्लेरिफिकेशन दिया कि आपको 10% 1 लाख की दुनिया जान का इन्होंने दिया था, तो वहां पे तो इन्होंने दिया, लेकिन आज इन्होंने कहा कि आप जहां तक दे सकते हो डेटा आप दे दो, बाकी अगर आप नहीं दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए आपको परेशान नहीं करेंगे. देखते हैं लॉ का रूल क्या कहता है. प्रेस रिलीज, देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेबल 16A और 18 ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9 16A एंड 18.
यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफ सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पे डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 एंड गुड्स सेंट टू अप्रूवल बेसिस, देख लिया आपने 16 सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पे। नेक्स्ट कहता है और 18, 16 ये आपने देख लिया, अब 18 ये कहता है HSN कोड के वाइज HSN वाइज समरी देने के लिए, ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है अब। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्मॉलर टैक्स पेयर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज इन रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट वाज नॉट बीइंग एक्सप्लिसिटली रिपोर्टेड इन देयर रेगुलर स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी, देयरफॉर टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड टू डिक्लेयर ऑल सच डेटा डिटेल्स व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ देयर रेगुलर स्टेटमेंट रिटर्न टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड रिकॉर्ड्स। आप अपने नॉलेज के हिसाब से और रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादा दे सकते हो वो दे दो। दिस डेटा इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेबल वेरिएशन इन द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन दिस टेबल्स विल नॉट बी व्यूड एडवर्सली। इस टेबल को टेबल नंबर 16A और 18 नंबर टेबल को मतलब कि पेनल्टी के लिए आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपको हम यानी कि CBIC इग्नोर कर देगी। आप अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से जितना दे सकते हो दे दो। टेबल 5D एग्जेम्प्टेड, टेबल 5E नील रेटेड। यहाँ पे आप कंफ्यूजन था लोगों को कि भैया कभी भी कुछ भी तुम मांग लेते हो, तो इनका कहना नॉन GST एग्जेम्प्टेड नील रेटेड क्या है, कंफ्यूज थे लोग कहाँ पे हम क्या दें। तो इन्होंने कहा कि ट्रेड बॉडीज ने बहुत सारे लाइन पे हम आते हैं पॉइंट पे, इट हैज बीन रिप्रेजेंटेटेड बाय वेरियस ट्रेड बॉडीज एसोसिएशन दैट देयर अपीयर्स टू बी सम कंफ्यूजन ओवर व्हाट वैल्यूज आर टू बी इंटर्ड इन टेबल 5D 5E एंड 5F। मतलब 5D 5E और 5F फॉर्म GSTR 9 में हम क्या दें, यहाँ पे बिजनेसमैन कंफ्यूज थे। ये देखिए 5D exempted nil rated non GST supply includes no supply, exempted कौन है, nil rated कौन है, non GST supply, यहाँ पे लोग कंफ्यूज थे हमें क्या देना है। तो सरकार कह रही है कि सिंस देयर इज सम ओवरलैप बिटवीन सप्लाई दैट आर क्लासिफाइड क्लासिफाइबल एज एग्जेम्प्टेड एंड नील रेटेड एंड सिंस देयर इज नो टैक्स पेबल ऑन सच सप्लाई इफ देयर इज ए रीजनेबल एक्सप्लेनेबल ओवरलैप ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड अक्रॉस दीज टेबल्स सच ओवरलैप और नॉट बी व्यूड एडवाइजली। कहता है कि अगर आप क्लेरिफिकेशन सही से नहीं दे पाते हैं इस तीनों टेबल में, अगर थोड़ी बहुत गलतियां होती भी है तो इसे इग्नोर कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट आपको इसके लिए परेशान नहीं करेगी। द अदर कंसर्न रेज्ड बाय टैक्सपेयर इज द इंक्लूजन ऑफ नो सप्लाई इन द कैटेगरी ऑफ नॉन GST सप्लाई इन टेबल 5F में देना है फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग नॉन GST सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अल्कोहल लिकर एंड ह्यूमन कंजम्पशन मोटर स्प्रीट यानी पेट्रोल हाई स्पीड डीजल एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल पेट्रोलियम क्रूड नेचुरल गैस और शेड्यूल 3 में जो प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं सेल उल करते हैं लैंड उंड उन सब के बारे में आपको टेबल नंबर 5F में देना है जो नॉन GST सप्लाई माना जाएगा। अब जी नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स चार्ज पॉइंट का 17-18 पे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 17-18 फाइनेंशियल का था 18-19 में दिया तो क्या होगा। रिवर्स चार्ज पे गवर्नमेंट खुद आज तक कंफ्यूज थी कि लोग जैसे पहले 5000 का हुआ था RCM का 5000 से ऊपर वो उसको पोस्टपोन कर दिया यानी बंद कर दिया गया इस तरह से कई बार इन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि लोगों का कंफ्यूजन था कि 17-18 में तो लोग कंफ्यूज ही रहे ये करना क्या है, तो लोगों ने 18-19 में किया। अब आप क्या कर रहे हो, 17-18 का खर्चा है 18-19 में जब आप कर रहे हो तो RCM में क्या है, जब आप टैक्स जमा करोगे तभी आप टैक्स का बेनिफिट भी ITC भी लोगे। तो जब आपने 17-18 का 18-19 में किया है टैक्स जमा तो ITC 17-18 में कैसे ले सकते हो, तो ये नॉर्मल कॉमन सी बात थी। गवर्नमेंट ने वही कहा है कि 17-18 का भैया जो 18-19 में लिए वो 18-19 में देखा जाएगा। लाइन एक बार हम पढ़ लेते हैं, मेनी टैक्स पेयर्स हैव रिक्वेस्टेड फॉर क्लेरिफिकेशन ऑन द एप्रोप्रिएट कॉलम और टेबल इन विच टैक्स विच was to be paid on reverse charge basis for the financial 17-18 but was not paid but was paid during financial year 18-19. It may be noted that since the payment was made during financial year 18-19 the ITC on such
payment of tax would have been availed in financial 18-19 only. Therefore, such detail will not be declared in the annual return 17-18 and will be declared in the return annual return for financial 18-19. If there are any variations in the calculation of turnover on account of this adjustment, the same may be reported with reason in the reconciliation statement GSTR 9C. का जो 17-18 का आपने 18-19 में किया है उसको आप 18-19 के एनुअल रिटर्न में लीजिए, 17-18 नहीं लीजिए। अगर कोई डिफरेंस आता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप जीएसटीआर 9C में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब एच नंबर पॉइंट और आई नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको मिल जाएगा। इसमें कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल, क्योंकि पहले तो आपने कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल सीए और सीएमए का कि ऑडिट करना है, सर्टिफिकेशन रिकंसिलिएशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का था। लॉ में बहुत सारे आपने रूल लिख रखा था, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, लेकिन आज इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सीए सिर्फ जीएसटीआर 9 और बुक्स ऑफ अकाउंट जो फाइनलाइज होगा ऑडिटेड उसका रिकंसिलिएशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, फिर भी टर्नओवर के बारे में इन्होंने आई नंबर पॉइंट किया, टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9C। इसमें इन्होंने कहा कि अगर आपका एक पेन पे दो जगह भी जीएसटीआर नंबर लिया हुआ है तो आपको दोनों जगह के रजिस्ट्रेशन नंबर पे दोनों एक पेन का जो टर्नओवर होगा उसको मिला करके आपको देखा जाएगा, ना कि आपका स्टेट वाइज होगा। सपोज एक ही पेन नंबर है और दो स्टेट में है, दिल्ली और मुंबई में है, तो दिल्ली और मुंबई दोनों जगह का टर्नओवर जोड़ा जाएगा, और अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपका दोनों जगह का रिकंसिलेशन यानी जीएसटी ऑडिट किया जाएगा। और साथ ही इन्होंने कहा कि जुलाई इस पेंट पे भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे इन्होंने कई बार डिक्लेरेशन दिया, कभी इन्होंने अप्रैल से कहा टर्नओवर का मीनिंग अलग दिया, एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग अलग दिया, अब इन्होंने कहा कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 का डाटा एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। 17-18 देखिए सबका डेट बढ़ा था, लेकिन डेबिट क्रेडिट नोट का डेट इन्होंने नहीं बढ़ाया था, सितंबर 18 तक ही लेना था अगर कोई 17-18 का था। लेकिन फाइनेंशियल कॉमर्शियल क्रेडिट नोट आपको जब मर्जी हो पूरे साल भेजिए, इनसे इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इफ द क्रेडिट और डेबिट नोट फॉर एनी सप्लाई वाज इशूड एंड डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड द प्रोविजन फॉर द सेम हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल 17-18 द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड इन पार्ट 5 में उसको दिखा जाएगा एनुअल रिटर्न में। Many taxpayers have also represented that there is no provisions in Part 2 of the reconciliation statement for adjustment in turnover in lieu of debit note issued during financial year 18-19. Although provisions for the same was made in the books of account financial 17-18, in such case, आप इसे Table Number 5O में reconciliation statement यानी GSTR 9C के 5O में दिखा सकते हैं। साथ ही duplication of information in 6B and 6H. इसका जो लाइन इन्होंने कहा कि लोग क्या करते थे कि डुप्लीकेशन हो जाता था, दो जगह दिखा देते थे, लेस किए और वहां पे 6B में आ जाता था। 6B 6H क्या कहता है? मेनी टैक्स पेयर्स हैव रिप्रेजेंटेड अबाउट डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेबल 6B एंड 6H ऑफ द एनुअल रिटर्न। इट मे बी नोटेड दैट द लेबल इन टेबल 6H क्लियरली स्टेट द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड इन टेबल 6H इज एक्सक्लूसिव ऑफ टेबल 6B, यानी 6H का 6B से लेस करके होता था। Therefore, information of such ITC is to be declared in one of the rows only. एक बार हम 6 टेबल पे चलते हैं। ये रहा डिटेल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 6B में कहता है इनवर्स सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड। अब यहाँ पे इनपुट कैपिटल इनपुट सर्विस आता था, एच कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD दोनों सॉरी एच कहता है अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम अदर देन बी एवब अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि जो आपने बी में दे दिया उसको तो एक्सक्लूड कर दोगे एच में ना। लोग क्या करते थे कि डबल इंट्री करते जिसके चलते दिक्कतें होती थी।
तो 6B का जो 6H में आएगा वहां क्लियर लिखा है अदर देन 6B, तो उसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। एक इंपॉर्टेंट लाइन आया कि रिकंसिलेशन ऑफ ITC अवेल ऑन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी बहुत अच्छा है, जो टेबल 14 के बारे में कहता है। एक बार हम आते हैं टेबल नंबर 14 पे। डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंशियल इन 10 एंड 11 टेबल, जो 10 11 नंबर टेबल था उसका कितना पेबल होता था और कितना हमने पेड किया उसका डिटेल यहां देना था। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि टेबल 14 ऑफ द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सेल्स कॉल्स फॉर रिकंसिलेशन ऑफ ITC अवेल ऑन एक्सपेंसेस विद, सॉरी ये आपको GSTR 9C का है, तो 9C में यहां आइए 14 नंबर। यहां आप जो हर एक खर्चा का देखते थे ना, रिकंसिलेशन ऑफ ITC डिक्लेयरिंग एनुअल रिटर्न जेटीआर 9 विद ITC अवेल ऑन एक्सपेंस, ये कहता है कि जो एक्सपेंस वाइज जो लिस्ट इन्होंने दे रखा है कि किस किस एक्सपेंस को यहाँ पे दिखाना है। टेबल 14 ऑफ द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कॉल्स फॉर रिकंसिलेशन ऑफ ITC अवेल ऑन एक्सपेंसेस विद ITC डिक्लेयर इन द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में यानी GSTR 9 में जिसपे आपने ITC लिया है उसी डेट उसी खर्चे को आपको यहाँ पे GSTR 9C मतलब रिपोर्ट जो होगा ऑडिट रिपोर्ट CA जो देंगे CMA जो देंगे उसमें लेना है। यहाँ पे सबका, लोग कंफ्यूज थे जी सबका लेना है, नहीं जिसपे आपने ITC क्लेम किया है उसी खर्चे को यहाँ पे शो करना है। और दूसरी बात यहाँ पे लोगों का रहा था द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस गिवेन इन टेबल 14 इज अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेड्स अंडर व्हिच इनपुट टैक्स क्रेडिट में हैव बीन अवेल द टैक्स पेयर हैज टू ऑप्शन टू ऐड बाय ऐड एनी हेड ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्सपेंस के नेम परचेज क्रेडिट कार्ड पावर एंड फ्यूल, ये रिप्रेजेंट करने के लिए है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आप अपने एक्सपेंस के अनुसार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार इसमें एक्सपेंस ऐड लेस कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने एक मेन रिक्वेस्ट किया है सब लोगों से कि 31 अगस्त 2019 तक अपना GSTR फाइल कर लीजिए, जिससे गवर्नमेंट को भी सहूलियत होगी और हम सबको भी सहूलियत है। तो थैंक यू, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।